चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डीड है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट डीड। कौन सी डीड है? लेटेंट डीड। अच्छा, अभी लेटेंट डीड क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी डीड जो 20 इयर्स और मोर के लिए बनाया जाता है, कितने साल के लिए? 20 इयर्स और मोर, विच इज कैप फॉर मोर देन 20 इयर्स, तो उसको लेटेंट डीड बोलते हैं। तो डीड कैप फॉर 20 इयर्स और मोर। अब ऐसी कौन सी डीड हो सकती है जो 20 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए बनाई जाती है? लीज डीड, मोस्टली लीज डीड होती है, मैक्सिमम केसेस में लीज डीड होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए आज आपको सरकार से कोई लीज मिल रही है माइंस की, कोल माइंस की, तो 50-50 साल की लीज मिलती है, 60-60 साल की लीज मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर कर देती है, उसके बाद लीज अग्रीमेंट कर लेती है उनके साथ कि बोले आप 50 साल तक वहाँ पे माइंस में कोल माइनिंग करनी है, जो भी कुछ मार्बल माइनिंग करनी है, जो भी कुछ करना है आपको, वो आप कर सकते हो। तो अगर कोई भी डीड आपकी 20 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए बनाई गई है तो सिंपली उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट डीड बोलते हैं। अब एग्जाम में शॉर्ट नोट आ गया लेटेंट डीड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आंसर एक नंबर, आंसर की लाइन एक है, क्या करोगे? पहले ना डीड डिफाइन करना कि डीड क्या होती है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यू नी लेटेंट डीड, वाओ सुपर एक्साइटेड, 20 ईयर और उससे ज़्यादा के लिए जो भी डीड बन गई है वो हमारी लेटेंट डीड, और बस मार्क्स बोलेंगे हम तो 4 मार्क्स लेके आएंगे। एग्जामिनर गधा है क्या जो एक लाइन के आपको 4 मार्क्स लेके आएगा? अब थोड़ा सा सजाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले डीड क्या होती है वो लिखो, ओके? फिर उसके बाद डीड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सबके नाम लिख दो, उसमें से वन ऑफ द टाइप कौन सा है? लेटेंट डीड है। और फिर लेटेंट डीड को एक्सप्लेन कर दो, तब जाके कहीं 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे नहीं डायरेक्ट आंसर हिट कर दिया, हमने तो लिख के आ गया आंसर, यस एकदम परफेक्ट सही, 4 में से एक नंबर भी नहीं देगा वो आपको इसमें एक लाइन लिखने के। तो इसलिए प्रॉपर आंसर रिकॉर्डिंग करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप सीएस कर रहे हो, इसका ये कहते हैं मतलब नहीं कि आप एकदम टू द पॉइंट आंसर हिट करोगे, नो। जितना ज्ञान झाड़ोगे ना कॉपी में उतना अच्छा मार्क मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादा ज्ञान झाड़ने के चक्कर में पेपर मत छोड़ देना, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड टाइम है। ये नहीं कि आपको एग्जामिनर बोलेगा हाँ 5-6 घंटे लिखो, आप तो लिखते जाओ, जितना आता उतना लिखते जाओ, ऐसा भी नहीं है। यू हैविंग 3 आवर्स ओनली, 3 घंटे में मैनेज करना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा। तो आपको टाइम भी मैनेज करना है और टाइम के साथ साथ कंटेंट भी मैनेज करना है, दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि आधे घंटे में मैं जितना मैक्सिमम लिखूँ उस आंसर में उतना लिखो, एकदम आंसर टू द पॉइंट कभी भी हिट मत करना, थोड़ा सा एलैबोरेट ज़रूर करना क्योंकि 2 कॉपीज़ हैं एग्जामिनर के सामने, एक कॉपी में एलैबोरेट हिट है और एक में एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, तो मार्क्स ज़्यादा किसको मिलेंगे? जिसने ज़्यादा लिखा हुआ है ऑफकोर्स। एंड क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 12th के एग्जाम तो दे नहीं रहे सब पास, वैसे तो है नहीं ना, कितने परसेंट पास होंगे? 1 or 2 हार्डली, इतने परसेंट पास होंगे? तो अगर 2% बच्चे पास होंगे तो उसमें जो टॉप 2% होंगे वही तो पास होने वाले हैं ना। तो जो टॉप 2% होंगे वो कैसे होंगे? कॉपी में जितना लिखा होगा, अब किसी की शक्ल तो लगा के आओगे नहीं, मेरी फ़ोटो लगा दी मैंने, देखो मैं बहुत सुंदर लगता हूँ या लगती हूँ, मार्क्स दे दो मुझे, मेरी कॉपी जितनी सुंदर लगती है उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कॉपी सुंदर कब लिखेगी? उसके कंटेंट से, उसके कंटेंट से, ठीक बात। चलो आगे बढ़ते, वॉलेंट्री डीड नेक्स्ट इज वॉलेंट्री डीड। वॉलेंट्री बोले तो, वॉलेंट्री बोले तो अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री बोले तो सारी डीड खुद की इच्छा से ही बनती है, जबरदस्ती कोई डीड बनती भी नहीं है। तो यहां पे वॉलेंट्री का मतलब ये कतई मत लेना कि खुद की इच्छा से बनाया है, यहां वॉलेंट्री से मतलब है विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहां वॉलेंट्री से क्या मतलब है? विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो अगर किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बिना आपने कोई डीड बना दी तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री डीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कब होगी? विदाउट एनी कंसिडरेशन बनाई गई है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रही है, कौन है ना, सब जानते हैं, क्या बात है, है ना, वेल नोन पर्सन, मुकेश अंबानी जी। अच्छा, ये एक और दिखाई दे रही फोटो, ईशा अंबानी, कौन है? डॉटर है, हाँ डॉटर है इनकी, सन नहीं है। अच्छा, अब ये इनकी डॉटर है, अच्छा वाइफ हो, नहीं नहीं इनकी वाइफ तो कौन है पता है क्या? नीता अंबानी। हाँ अच्छा, अभी जो ईशा है
उसके गेटअप को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि शादी हो रही है इसकी। हमारे ना इंडियन सोसाइटी में बेटी की शादी एक ऐसा इवेंट होता है जिसके लिए सालों साल तैयारी की जाती है। मतलब मुझे समझ में आता है ऐसा कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो जिस दिन से बेटी पैदा होती है उस दिन से यही सोचते हैं कि बेटी की शादी में क्या करेंगे, और बेटा है तो बेटे का बिजनेस कैसे सेटअप करना है या उसको क्या कराना है ना। मतलब पैदा होते ही कोई ना कोई लैंड लेकर रख लेंगे कि जब तक ये बड़ी होगी तब तक लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको बेच देंगे और फिर शादी वादी कर लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडियन सोसाइटी सिर्फ शादी पे डिपेंडेंट है, जो कुछ भी इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे सिर्फ शादी बेस्ड होते हैं, और इसीलिए आजकल शादी वाले इवेंट ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लगते हैं। अभी कोरोना छोड़ दो, कोरोना पीरियड, बाकी अदरवाइज हर कोई बंदा शादी वाले इवेंट ही करा रहा है ना। कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोई डेकोरेशन का काम कर रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का केटरिंग वेटरिंग जो भी कुछ काम है। मुझे लगता है हमारे यहाँ पे राजस्थान में तो स्पेशली सब यही बिजनेस चलते हैं मैक्सिमम केसेस में। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो तो छोड़ दो, बाकी उसके अलावा तो सारे यही बिजनेस चलते हैं। तो हमारे मुकेश अंबानी जी थे, उनके भी बड़े अरमान थे बेटे की शादी है तो कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा, और ये जैसे लोग गिफ्ट नहीं देंगे तो कौन ही देगा। तो मुकेश अंबानी जी का एक बंगला था, छोटा सा बंगला है, छोटा सा, ये छोटा सा बंगला, ही इज़ विलिंग कि मेरी बेटी की शादी में मैं ये बंगला गिफ्ट कर दूँ। ही इज़ विलिंग कि मेरी बेटी की शादी में ये बंगला मेरी बेटी को सौंप दूँ, कि वो अगर इसमें रहना चाहती है तो बड़े शौक से रहे, पति के घर में रहना चाहती तो शौक से रहे, नाराज़ होकर आएगी तो कोई मकान तो चाहिए ना, फिर मकान तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे मुक्कू भाई हैं वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को ये मकान गिफ्ट करें, तो गिफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या बना दी, गिफ्ट डीड बना दी। क्या बना दी, ये गिफ्ट डीड बना दी। अब उन्होंने ये गिफ्ट डीड किसको दे दी, अपनी बेटी को दे दी कि ले बेटा खुश रहे तू भी अय्याशी मार, है ना। तो ये मकान जो है ये तेरे नाम, और ये जो ईशा है वो बोलेगी थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी तो हक बनता ही है, भाई का ही थोड़ा ना अकेला हक है, तो आपने मुझे जो प्रॉपर्टी दी है अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, मैं इसे हैप्पीली एक्सेप्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ईशा ने इस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, कंसेंट दे दिया है। तो यहाँ पे कौन सी डीड बनी, गिफ्ट डीड। क्या यहाँ पे मुकेश अंबानी जी इस मकान के बदले में कोई कंसिडरेशन लेने वाले हैं ईशा से, ईशा बेटा तेरे को ये मकान दे रहा हूँ तेरे को 5 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे मुझे, ऐसा बोला है? नो, इसका मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में विदाउट एनी कंसिडरेशन ये प्रॉपर्टी दी गई है। तो ऐसी डीड को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सी डीड को, कौन सी जो विदाउट एनी कंसिडरेशन बनाई जाती है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया है, गिफ्ट डीड। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे जो विदाउट एनी कंसिडरेशन बनाई जाती है, एनी अदर एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कि गिफ्ट डीड तो सबको पता है लव एंड अफेक्शन में बनता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। चैरिटी और गिफ्ट एक ही बात होती है, गिफ्ट डीड ही बनती सब में, चैरिटी गिफ्ट सब एक ही बात है, डोनेशन वोनेशन कोई भी नाम ले लो अल्टीमेटली बनती गिफ्ट डीड है सब में। इनहेरिटेंस उर्मिला वसीयत होती है, और विल जो होती है ना वो डीड नहीं होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ तो मरने के बाद जब प्रॉपर्टी मिलेगी ना तो आपने वॉलेंट्री डीड थोड़ी ना, वो तो इनहेरिटेंस में मिल रही है ना। हाँ डीड तो हमारा प्रेजेंट, मैंने जिंदा रहते हुए किसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसी कौन सी डीड हो सकती है और जिसके अंदर विदाउट एनी कंसिडरेशन काम किया जाता है, एडॉप्शन की आपको पता है, एडॉप्शन जब करते हैं ना तो सरकार बोलती है अपनी प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा हिस्सा आपको, बच्चे के नाम पे लिखाया जाता है वो हिस्सा, फ्री में नहीं होता एडॉप्शन। अरे वो तो भयंकर होता है, उसमें तो ऐसा होता है कि जब भी आप लीगली किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो ना प्रॉपर्टी का एक शेयर उसके नाम पे करना पड़ता है आपको, तब जाके होता है, बता दूं गारंटी डीड। कौन सी डीड, कौन सी डीड, कौन सी डीड, ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज है ना आप सब लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अब है ना हमारे पास है ना बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फिर अब कैसे कॉल्स आते हैं, आप यहाँ से सीएस क्लियर करके जाओगे
किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें रेफरेंस मांगते हो, रेफरेंस, तो रेफरेंस में अगर आप चिन्मय सर का नाम या मेरा नाम लिखते हो तो वो हमको कॉल करेंगे और कॉल करके पूछेंगे कि बच्चा कैसा है। तो वहाँ पे हम गारंटी देते हैं उनको कि एकदम आउटस्टैंडिंग बच्चा, एकदम बढ़िया बच्चा, टेंशन ही मत लो, आप तो हायर करो इमिडिएटली, ऐसा बोलते हैं। तो क्या उसके बदले में हम आपसे कंसिडरेशन लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो गारंटी जो होती है ना वो विदाउट एनी कंसिडरेशन होती है। या फिर आपने ना कभी सुना होगा जैसे सर्वेंट्स वगैरह हायर होते हैं, सर्वेंट हायर होते हैं, तो जो सर्वेंट हायर होते हैं वो एजेंसीज के थ्रू हायर होते हैं, तो उस सर्वेंट की गारंटी कौन देता है? एजेंसी देती है। तो जो एजेंसी हमें गारंटी देती है ना उसके बदले में हमसे कुछ चार्ज नहीं करती। उनका आपस में इंटरनल सर्वेंट का और उसका कुछ हो सकता है कि वो अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन दे रहा हो एजेंसी को, वो अलग बात है, बट हमसे उनका कोई भी कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो एजेंसी बोलती है आप इस पर्सन को अपॉइंट करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से अपॉइंट करिए। तो इस टाइप के जो गारंटी अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें कंसिडरेशन नहीं होता है। इवन हमारे पास तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, मैट्रिमोनियल कॉल्स भी आते हैं, पता है आपको, सीरियसली बता रही हूँ, मैट्रिमोनियल कॉल्स भी आते हैं। अगर मान लीजिए जिनसे जहाँ रिश्ते की बात बात चल रही है उनको पता चलता है कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, तो वो जो आपके जो दूसरे वाले ना ऑपोजिट डायरेक्शन वाले लोग, वो कॉल करके पूछते हैं कि यार ये आपके यहाँ पढ़ता था या पढ़ती है, वो कैसा बच्चा है एक बार बताएंगे क्या, ऐसे आते हैं कॉल्स हमारे पास। तो मैं तो सोचती हूँ कभी कभी एक एडिशनल जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड, ये बच्चे हमारे यहाँ से सीएस बन चुके हैं, अभी ये क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल बैचलर्स हैं, इनके यहाँ यहाँ जॉब लग गई है, तो ऐसा करके हम सोच रहे हैं कि एक नया काम स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अल्टीमेट बिजनेस चलेगा। लिटरली कॉल आते हैं हमारे पास, कंपनीज कॉल करें तो समझ में भी आता है, स्टार्टिंग में जब कॉल आते तो मैं भी शॉक होगी, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी कॉल आ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि बच्चा कैसा है। तो इसका मतलब हम वहाँ पे गारंटी देते हैं। देखो क्या होता है ना, फिर हम कैसे, जहाँ पे कंपनी होती है वहाँ तो हम एकदम बिंदास गारंटी देते हैं, जहाँ पे कंपनी नहीं होती है मैट्रिमोनियल होते ना तो हम बोलते हैं देखो है ना हमारी क्लास में तो एकदम शराफत से बैठते थे, बाकी पता नहीं हमें, अब वो सुट्टा वट्टा लगाते हैं नहीं लगाते हैं ना, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, हमें क्या पता यार, थोड़ी ना क्लास में बैठ करके सुट्टा लगाते हो या ड्रिंक करते हो, आई डोंट नो ऑफ कोर्स, है ना। तो मैं थोड़ी ना गारंटी दे सकती हूँ किसी की भी कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते, मैं इतना बोल सकती हूँ क्लास में ना बिल्कुल टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करते, एकदम शांति से बैठते हैं, बहुत शराफत की जैसे हमारी बात सुनते हैं, और नींद आ रही तो भी बोलते नहीं कि मैम नींद आ रही है, बहुत प्यारे बच्चे, एकदम प्यारे बच्चे। तो ऐसा हम गारंटी करते हैं, तो उसके बाद में हम कतई कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते हैं। तो ऐसे जितने भी डीड्स होते हैं जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अब ऑब्वियसली हमारे को आप लोगों से नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, हमारे बच्चे हो तो आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोच सकते, आपके लिए तो हम एकदम जान निकाल के दे दें, और जान इन द सेंस वैसे नहीं कि मेरे मर्डर वर्डर कर दोगे हाँ मतलब जैसे भी हेल्प जैसा भी हो, और अब देखना यू रियलाइज एग्जाम के टाइम पे चिन्मय सर क्या एकदम पैशनेट होकर के बस लगे पड़े रहते हैं, आप कभी भी कॉल करो उनको सर को, अब एक ही बात है सर को कॉल करो या मुझे करो, ऐसा कुछ नहीं मैम आप तो अपनी बात नहीं करो सर की बात कर रहे हो, तो एक ही बात है ना, तो सर को कॉल करो तो एनी टाइम ही पिकअप द कॉल, एनी टाइम, चाहे रात को 10 बजे कॉल करो 11 बजे, जब तक वो सोए नहीं तब तक वो डेफिनेटली कॉल पिक करते हैं एग्जाम के दिनों में, अभी नहीं अभी कॉल करोगे तो वो फोन नहीं उठाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है वो गिफ्ट डीड में भी हो सकता है और साथ ही में गारंटी डीड्स में भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ूँ, दो डीड्स पड़ी, लेटेंट एंड वॉलेंट्री, ओके नेक्स्ट है वारंटी। ओ माय गॉड, अभी तो मैंने गारंटी बोला था, यहाँ पे एक नया टर्म यूज हो रहा है वारंटी, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस वारंटी एंड व्हाट इज दिस गारंटी? अच्छा, तो कोई प्रोडक्ट खरीद लिया तो हमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड के उसके यूज़ करने की कुछ कंडीशंस पे एश्योरिटी मिल गई, और गारंटी क्या होता है, व्हाट इज दिस गारंटी एंड वारंटी? अच्छा ऐसा, और ऐसा क्या
अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, गारंटी इंसानों की होती है और वारंटी प्रोडक्ट की होती है, ठीक है? गारंटी इंसान की होती है और वारंटी प्रोडक्ट की होती है। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर वारंटी वर्ड यूज़ होता है। पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं होता, वो गारंटी वर्ड यूज़ कर लेते थे, लेकिन आज आप देखो सब पे वारंटी कार्ड होते हैं, कभी भी गारंटी कार्ड नहीं होता। सब पे क्या होता है? प्रोडक्ट्स की वारंटी होती है, इंसानों की गारंटी होती है। भाई अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था गारंटी का, मैं एग्जाम्पल दे रही थी गारंटी का कि आपके बिहेवियर की गारंटी दे रही हूँ मैं, तो आप सब इंसान हो ना, तो इंसानों की गारंटी दे रही थी मैं। और जहाँ भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? वारंटी। अब ऐसे कोई कहीं भी कुछ भी यूज़ कर ले उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कोई LG कंपनी है वो गारंटी कार्ड दे दे आपको, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इससे, ठीक है? बट हमारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग में हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंसानों की क्या होती है? गारंटी होती है, और प्रोडक्ट्स की क्या होती है? वारंटी होती है, ठीक है? बाकी लोग अपने तरीके से कुछ भी करते रहे, कुछ भी कर ले, उनको जहाँ जो वर्ड यूज़ करना है करते रहो, लेकिन रियल में यही मतलब होता है। गारंटी हमेशा इंसान की रहेगी और वारंटी हमेशा प्रोडक्ट की रहेगी। अच्छा, अब वारंटी में क्या हो सकता है? दो टाइप की वारंटी हो सकती है, लाइक या तो आप ऐसा बोल दो कि भैया इस पीरियड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, हमारा प्रोडक्ट ऐसे ऐसे चलता है और आपने ऐसे ऐसे यूज़ किया है, तो इन दैट केस कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पार्ट खराब हो तो हम रिप्लेस करके देंगे आपको, रिप्लेसमेंट स्ट्रेट अवे। वेयर एज या फिर हम क्या करेंगे, रिपेयर करा के देंगे। इस तरह की भी हो सकता है कि भले हम रिप्लेस नहीं करेंगे लेकिन आपको रिपेयर करा के देंगे, आपको कोई पर्सन भेज देंगे। तो अगर सेलर अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ बताता है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा फलाना ढिमकाना पता नहीं कुछ कुछ बोलता रहता है, 5 साल से पहले इसकी मोटर ख़राब ही नहीं हो सकती ऐसा बोलता है, तो वो क्या कर रहा है? वारंटी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है अगर 5 साल से पहले ख़राब हो ना, लिया ना प्रोडक्ट को मेरे पास, पटक जाना मेरे पर, मेरे ऊपर का मतलब मेरी दुकान पर, ये नहीं खुद उसके ऊपर पटक किया था। तो यहाँ पे वारंटी से मतलब क्या है कि या तो वो रिप्लेस करा के देगा या फिर, और इसमें भी अलग अलग ऑन साइट है कि ऑफ साइट है। ऑन साइट मतलब घर पे आके ठीक करके जाएगा, और ऑफ साइट हुआ तो आपको प्रोडक्ट ले जाना पड़ेगा उठा करके और फिर उसकी दुकान में पटकना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की वारंटी ले रहे हो, तो वो तो उसका कंडीशन होता है, हर किसी का अपना अपना कंडीशन होता है। तो यहाँ पे वारंटी डीड से मतलब क्या होता है? विच कंटेन्स अ प्रॉमिस ऑफ वारंटी। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की कंडीशन अगर डाली गई है, जिस भी डीड में ऐसी कंडीशन होगी, तो वो डीड कौन सी होगी? वारंटी डीड होगी। कौन सी डीड होगी? अच्छा, एक डीड लॉफुल और वारंटी दोनों हो सकती है क्या? एक डीड लॉफुल और वारंटी दोनों हो सकती है क्या? ऑफकोर्स जो भी सही डीड है ना, ढंग की डीड, वो सब लॉफुल तो होंगी ही होंगी, और उसके बाद उसके एडिशनल कंडीशंस भी हो सकती है, वो लेटेंट भी हो सकती है, और लेटेंट के साथ साथ वारंटी भी हो सकती है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डीड्स जो है वो एक में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक डीड सिर्फ वारंटी ही होगी, लॉफुल नहीं होगी फिर, ऐसा नहीं है। तो एक में मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहे हो, है ना, तो वॉशिंग मशीन में आपका सेलर क्या क्या प्रॉमिस करता है? मोटर की प्रॉमिस करता है, मोटर। इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है उसकी प्रॉमिस करता है ना, कि इसके जो आउटर पार्ट है उसके हम 2 साल की वारंटी देते हैं, मोटर की हम 5 साल की वारंटी देते हैं, है ना। तो इस तरह के कुछ वारंटीज यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव डीड। इसकी लैंग्वेज पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज पढ़ देती हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा, देखते पढ़ते हैं। और किसी को समझ में आ जाए तो हैंड रेस करके बता देना कि मैम ये इसका मतलब। डीड विच कंटेन डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज विच आर एक्सपेक्टेड वाइल इन ऑपरेशन ऑफ डीड। अगर इस लाइन से किसी को कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज एक्सप्लेन। यस, ऐसा लिखा है अच्छा, ओके ओके। और अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो, आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना ज़िंदगी, कुछ बाउंड्रीज में रह के जी रहे हो कि जो खुली छूट मिली है जो मर्जी है वो कर लो, हैं? ऐसा पेरेंट्स बोलो जो मर्जी है तुम्हारी वो करो, हमारी तरफ से फुल छूट है, ऐसा है क्या? कोई है एनी वन ऑफ यू? आई डोंट थिंक सो। इवन मी ऑल्सो, है ना, आज भी चाहे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इवन दो आई एम कंपनी सेक्रेटरी, इवन दो मैं खुद पैसा कमाती हूँ, फिर भी ऐसा होना है खुली छूट मिली है, पेरेंट्स बोलते हैं जो मर्जी है बेटा करिया जाके, देखो दारू पीनी है दारू पिया,
को सिगरेट पीने सिगरेट पिया, तेरे को जब उठना है तब उठ, तेरे को 2 बजे सोना है रात को, सुबह 12 बजे उठना है, जब करना है जो करना वो कर, ऐसा होता है क्या? है ना, जैसे हम 8 बजे से लेट होते ना तो मम्मी का नॉक स्टार्ट होता है, ठक 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 ठक, उठे नहीं अभी तक उठे नहीं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, यूँ ऐसा तरीका है लाइफ जीने का? आता है ऐसा, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? या शरीफ बच्चे पहले से जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, अरे वाह, नहीं जब क्लासेस होती तब की बात नहीं कर रही मैं, जब क्लासेस नहीं होती तब की बात कर रही हूँ मैं, तभी जल्दी उठ जाते हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, तो जल्दी क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से बता दिया बेटा डिसिप्लिन ही ग्राउंड है, ऐसे रहना पड़ेगा तुम्हें। या फिर अगर गर्ल्स हैं तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको रात को 9 बजे तक घर के अंदर घुसना है, ऐसा होता है? अच्छा, अगर पीजी में रह रहे हो तो वहाँ पे 7 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं देंगे, हॉस्टल में जहाँ भी रह रहे हो पीजी में 7 बजे तक एंट्री करनी पड़ेगी। अगर पीजी में रह रहे हो तो 2 बजे ही लंच मिलेगा, 2:10 हुए तो लंच नहीं मिलेगा, और 1:58 पे भी लंच नहीं मिलेगा, ऐसे भी करते हैं, है ना, 2 मतलब 2, नहीं तो खाना खाता हूँ उसके बाद टाटा बाय बाय। तो इट मीन्स देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, उसमें रह करके आपको ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आप कुछ भी सोचते रहो दिल से कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, बट हमें बाउंड्रीज़ को देख करके ही सारे काम करने पड़ते हैं। मैं आज सोचती हूँ कि मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, मैं आज सोचती हूँ कि मेरे पास जैगुआर होनी चाहिए, तो सोचने से क्या ही होता है? बाउंड्रीज रेस्ट्रिक्शन है ना, पैसे हैं तो खर्च कर लो, ये थोड़ा ना चोरी डकैती कर लोगे इस चक्कर में, बोले मेरे को तो चाहिए बस बस चाहिए, मैंने कह दिया मुझे चाहिए तो बस, मैंने 4-5 लोगों का हलाल कर दिया वहाँ से पैसे ले आए, तो ऑब्वियसली नॉट, देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज। एग्जैक्टली, जब भी कोई डीड बनती है तो वहाँ पे कुछ बाउंड्री वॉल होता है, बाउंड्री वॉल होता है टर्म्स एंड कंडीशंस का। अगर आज मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा कि आपको क्या क्या काम करना और क्या क्या नहीं करना, वो आपके लिए एक ऑरा बना के देगा कि ये ड्यूटी आपकी ये करना पड़ेगा आपको। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा तो आपको सारे लीगल काम करने पड़ेंगे, इलीगल नहीं लीगल काम करने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी के हिसाब से आपको जितने भी लॉज हैं उनके कंप्लाइंस इंश्योर करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा और क्या क्या नहीं करना है वो भी बताया जाएगा। तो ये जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जा रहा है, जो भी आपके वर्किंग पैटर्न दिखाई जा रहे हैं, वो सब कौन सी डीड में होता है? इंक्लूसिव डीड में होता है। मतलब आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते, क्या चीज़ें आपकी औकात के अंदर होंगे और क्या आपके औकात के बाहर होंगी, ऐसा अगर कंडीशन डाला गया है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इंक्लूसिव डीड बोलेंगे। तो विच कंटेन डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज विच आर एक्सपेक्टेड वाइल इन ऑपरेशन ऑफ डीड। एजेंसी अग्रीमेंट में ऐसा होता है, प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है कि तुम्हारा एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुणे का है, तुम पुणे में ही अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। प्रिंसिपल अपने एजेंट को बोलता है तुम्हारा जो एरिया है वो सिर्फ कोटा का है, तुम कोटा में ही अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसके बाहर नहीं निकल सकते। मतलब बाउंड्रीज डिसाइड कर दी गई, डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज डिसाइड कर दी गई है। तो अगर किसी डीड में डेजिग्नेटेड बाउंड्रीज डिसाइड कर दी गई है तो वो क्या होगा? इंक्लूसिव डीड होगा। अच्छा, अगर इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दूं एक्सक्लूसिव, तो जो जो आप नहीं कर सकते हो अगर सिर्फ वही लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों ने कभी देखा डेफिनेशन जो होती है एक्ट के अंदर, वो 2 टाइप की होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, पता है आपको ये बात? अच्छा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे? डिपॉजिट्स की डेफिनेशन, इतनी बड़ी सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है इसकी, है ना? एक्सक्लूसिव एक्सेप्शन दे रखे, वापस पढ़ेंगे चैप्टर हमारे हैं सीएफ के अंदर, वापस से आएगा ये चैप्टर। अच्छा, इंक्लूसिव डेफिनेशन कोई बता सकते हो? सारी मोस्टली डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है, मैक्सिमम डेफिनेशन जो होती है वो इंक्लूसिव होती है, चाहे वो कंपनी की डेफिनेशन से स्टार्ट करके एंड तक कहीं भी डायरेक्टर की डेफिनेशन कुछ भी पढ़ लो आप, सब कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। तो पर कुछ कुछ डेफिनेशन एक्सक्लूसिव भी होती है, तो ऐसे एग्जैक्टली डीड भी एक्सक्लूसिव हो सकती है, जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें करना है जो कर लेना, लेकिन ये मत करना, ये मत करना, ये कर लिए ना तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में नेगेटिव बातें लिखी होती है, इंक्लूसिव में पॉजिटिव बातें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी डीड्स कंप्लीट हो गई, फटाफट से रिकैप करो कौन कौन सी डीड हुई। नंबर 1 लॉफुल, नंबर 2 नंबर 3 4 5 देन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डीड भी हो सकती है। तो एक्सक्लूसिव पूछेगा तो जहाँ पे बाउंड्री वॉल के बाहर क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, रेस्ट ऑफ द प्रोविजन कल से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे नहीं कि सफाया कर दो पुराना।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुराना याद होना चाहिए हमें। कल पूछूंगी मैं आते ही, ठीक है, थैंक यू।